क्या आप दुनिया के सबसे बेहतरीन शहर में रहना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ में है तो इसके लिए आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जाना होगा। वियना 2022 में रहने के लिहाज से दुनिया में सबसे अच्छा शहर करार दिया गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपना ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया है। दुनिया के 173 देशों का सर्वे करने के बाद ये इंडेक्स तैयार होता है। इंडेक्स के मुताबिक जहां वियना नंबर 1 पर है, तो वहीं डेनमार्क का कोपेनहेगन दूसरे पायदान पर है। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर है, चौथे पर कनाडा का कैलगरी और पांचवें स्थान पर कनाडा का ही वैंकूवर शहर शामिल है। इसके बाद स्विट्जरलैंड का जिनेवा, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट, कनाडा का टोरंटो और नीदरलैंड्स का एम्स्टर्डम शहर लिस्ट में टॉप 10 में शामिल हैं। इस बार कई शहर कोरोना की वजह से या तो लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए या फिर वो पहले ही अपने स्थान से नीचे खिसक गए। बीते साल न्यूजीलैंड का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर ऑकलैंड इस लिस्ट में टॉप पर था, लेकिन इस साल ये शहर सीधे 34वें पायदान पर खिसक गया और इसकी वजह रही कोविड से जुड़ी बंदिशें। टॉप 10 में उन शहरों को जगह दी गई है जिनमें बंदिशें कम थी। इस लिस्ट में किसी शहर को शामिल करने के लिए कुछ मानक अपनाए जाते हैं। सर्वे के लिए 5 व्यापक कैटेगरीज पर फोकस किया जाता है। इसमें स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इन कैटेगरीज के तहत 30 मानकों के आधार पर रेटिंग दी जाती है। अगर रेटिंग 80 से 100 के बीच रहती है तो माना जाता है कि उस शहर में रहने के लिए ना के बराबर चुनौतियां हैं। 70 से 80 रेटिंग का मतलब होता है शहर में डेली लाइफस्टाइल के लिए कुछ चुनौतियां हैं। अगर रेटिंग 60 से 70 के बीच है तो नेगेटिव फैक्टर का असर लाइफस्टाइल पर पड़ रहा है। वहीं रेटिंग अगर 50 या उससे भी नीचे है तो इन शहरों में पाबंदियां ज्यादा हैं। इंडेक्स के टॉप 100 शहरों में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है। यानी इंडेक्स के लिए जो मानक तय किए गए उनमें भारत का कोई भी शहर खरा नहीं उतरा। लेकिन क्या ये बात हमारे लिए चिंता करने की है? तो जवाब है नहीं। दरअसल ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स एक बहुत ही सीमित अप्रोच के आधार पर शहरों का चुनाव करता है। इस इंडेक्स का संभवतः मुख्य उद्देश्य ग्लोबल कैपिटल और इसके मैनेजर्स के लिए ऐसे शहर बताने का होता है जहां वो घर जैसा महसूस कर सके, अपने कारोबार को बेहतर तरीके से चला सके। लेकिन इसके बावजूद भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा फ्रेंडली माना जाने वाला सिंगापुर भी लिस्ट में शामिल नहीं है। यही नहीं, अमेरिका का कोई भी शहर इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाया है। इससे ये साबित होता है कि एक इंडेक्स किसी शहर के कारोबार होने के लायक है या नहीं है, ये इसका कोई मानक या प्रमाण नहीं हो सकता। दूसरी तरफ इंडेक्स में टॉप 10 में काबिज शहरों की जनसंख्या के मुकाबले भारत के शहरों की जनसंख्या कई गुना ज्यादा है। नंबर 1 शहर वियना की कुल जनसंख्या 20 लाख है, जो दिल्ली की जनसंख्या का महज 10% है। यानी जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा चुनौतियां शहर को मैनेज करने की होंगी। लिवेबिलिटी इंडेक्स में भारत का शहर ना आना भले ही चिंता की बात ना हो, लेकिन इसके आधार पर हमें खुद को बेहतर बनाने के प्रयास जरूर करते रहने चाहिए। ज्यादा जनसंख्या का बहाना खुद को बेहतर बनाने की राह में रोड़ा नहीं हो सकता। हमें स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर और कल्चरल के जो चुनौतियां हैं उनके मोर्चे पर खुद को बेहतर साबित करना होगा और इसके लिए भारत को जनसंख्या नियंत्रण और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने पर काम करना होगा। सिटी अथॉरिटीज को शहरों के प्रबंधन के लिए बेहतर योजनाएं बनाने पर फोकस करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी का जो मिशन तय किया है उसकी तरफ बढ़ने के लिए जरूरी है कि सिटी अथॉरिटीज खुद को और अपने शहर को बेहतर करने पर ध्यान दें और सरकार की ओर से इस तरह की कवायदों पर काम भी किया गया है। नीति आयोग की तरफ से सबसे साफ, सबसे स्वच्छ शहर की जो कैटेगरीज हैं उनका अनाउंस किया गया बाकायदा। हर साल एक रेगुलर इंटरवल के बाद इनके ऐलान भी होते हैं। इंदौर इसमें कई बार बाजी मारता हुआ नजर आता है। इसके बाद एक कंपटीशन की भावना शहरों में आती है, तो सफाई के मोर्चे पर एक अलग कहानी है। लेकिन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के मोर्चे पर, टाउन प्लानिंग के मोर्चे पर बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनमें हमारे देश के शहरों को आगे बढ़कर खुद को बेहतर साबित करना होगा। हालांकि जैसा हमने अपने आपको रिपोर्ट में बताया कि अगर लिवेबिलिटी इंडेक्स में भारत के किसी शहर का नाम नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे शहर रहने लायक नहीं है। कुछ मानकों के आधार पर वो दूसरे शहरों की श्रेणी में थोड़ा कम बेहतर हो सकते हैं, लेकिन भारत की ग्रोथ की कहानी बताती है और शहरों पर जिस तरह से जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ शहरों में जो अमूलचूल परिवर्तन आए हैं, जो विकास कार्य हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसे भी हम नजरअंदाज या नकार नहीं सकते। तो उम्मीद यही करते हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो या दूसरी कवायदें,
हमारे देश के शहरों को और बेहतर बनाएंगी और उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। किस तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करते हैं, ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, आने जाने की सुविधाओं को मैनेज करते हैं और साथ ही साथ शहरों में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित रखते हैं, इन तमाम बुनियादी कामों पर यदि हमने काम कर लिया तो स्वाभाविक रूप से वो दिन भी दूर नहीं होगा जब इस तरह के इंडेक्सेस में हमारे देश के भी कुछ चुनिंदा शहरों का नाम होगा। बहरहाल